जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया, कौन जिम्मेदार है? आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया, ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया, कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। हाँ, वो हमारे पास आए थे, उन्होंने प्रणाम किया, हमारा नियम है, हम लोग आशीर्वाद देंगे, जो आएगा उसको आशीर्वाद देते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे दुश्मन थोड़े हैं, हम उनके हितैषी हैं, सदा उनके हित की बात कह रहते हैं। जब उनसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसको भी कहते हैं कि तुमसे ये गलती हो रही है, वो हमारे दुश्मन नहीं है। नहीं, हमारे जरिए कोई हम कोई लाइजनर नहीं है, हमको श्रद्धा पूर्वक उन्होंने बुलाया था, हम जैसा कि हमारा नियम है श्रद्धा से बुलाने पर जाते हैं, हम आए, उन्होंने पादुका पूजन किया और अपनी जो उनकी अपनी बातें थी वो भी हमारे सामने रखी, हमने उनको सुन लिया। ये जो बात हम कह रहे हैं वो हम अपने मन की बात कह रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र की जनता की बात। जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया, कौन जिम्मेदार है? आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया, ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया, कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। हाँ, वो हमारे पास आए थे, उन्होंने प्रणाम किया, हमारा नियम है, हम लोग आशीर्वाद देंगे, जो आएगा उसको आशीर्वाद देते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे दुश्मन थोड़े हैं, हम उनके हितैषी हैं, सदा उनके हित की बात कह रहते हैं। जब उनसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसको भी कहते हैं कि तुमसे ये गलती हो रही है, वो हमारे दुश्मन नहीं है। नहीं, हमारे जरिए कोई हम कोई लाइजनर नहीं है, हमको श्रद्धा पूर्वक उन्होंने बुलाया था, हम जैसा कि हमारा नियम है श्रद्धा से बुलाने पर जाते हैं, हम आए, उन्होंने पादुका पूजन किया और अपनी जो उनकी अपनी बातें थी वो भी हमारे सामने रखी, हमने उनको सुन लिया। ये जो बात हम कह रहे हैं वो हम अपने मन की बात कह रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र की जनता की बात। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।